गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनीता श्रीवास्तव भागवत विद्यापीठ की हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज मैं कक्षा 3 को उनकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 को पढ़ाऊँगी। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी से हमको बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसका नाम है मुश्किल से छूटे बुरी आदतें। बुरी आदत किसी को अच्छी नहीं लगती है, और ये बुरी आदत जो किसी को आ भी जाती है तो बहुत मुश्किल होता है इसको छोड़ना। यह एक बच्चे की कहानी है जिसको बुरी आदत लग जा रही है और बहुत ही मुश्किल से ये बुरी आदत छूट रही है। तो यह एक शिक्षाप्रद कहानी है, अब इसको हम पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि बुरी आदतों से दूर रहना बुरी आदतों को छोड़ने से कहीं ज़्यादा आसान है। जैसे आप किसी को बुरी आदत लगे ही नहीं कि उसको छोड़ने की ज़रूरत पड़े। एक अमीर आदमी अपने बेटे की एक बुरी आदत से बहुत परेशान था। वह जब भी बेटे से आदत छोड़ने को कहता तो एक ही जवाब मिलता, अभी मैं इतना छोटा हूँ, धीरे धीरे ये आदत छोड़ दूँगा। उसका बेटा बार बार यही बोलता था कि अभी मैं बहुत छोटा हूँ, बाद में अपनी ये बुरी आदत मैं छोड़ दूँगा। पर वह कभी भी अपनी बुरी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता था, प्रयास मने कोशिश नहीं करता था। उन्हीं दिनों एक महात्मा गांव में पधारे हुए थे। महात्मा मने पंडित जी महात्मा। जब आदमी को उनकी प्रसिद्धि के बारे में पता चला तो वह तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा। उसको लगा कि हमारे महात्मा जी जो आए हैं मेरे गांव में, मेरी समस्या का समाधान करेंगे। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आना, मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगले दिन सुबह पिता पुत्र बगीचे में पहुँचे। महात्मा जी बेटे से बोले, आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। जिस बच्चे को बुरी आदत लगी थी उसके पापा उसको लेकर के आए, तो महात्मा जी ने कहा कि चलिए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। वे दोनों क्या हुआ, आगे बढ़ने लगे। चलते चलते महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से बोले, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? बच्चे ने कहा, जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बच्चे को लगा कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, और उसने ऐसा कहते हुए बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। वो जो बच्चा था उसको आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़े गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी थोड़े बड़े पौधे की तरफ संकेत करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? महात्मा जी ने दूसरे पौधे को भी बोला कि क्या तुम ये भी उखाड़ सकते हो? अब आप लोग पेज को पलटिए। बेटे तो को तो मानो इसमें कितना मज़ा आ रहा था। वो जो बच्चा था उसको पेड़ उखाड़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। इन सब काम में कितना आनंद आ रहा हो, वो इतना खुश था, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर काफ़ी प्रयत्न के बाद उसने उस पौधे को भी उखाड़ दिया। वो क्या हुआ कि उस पौधे को भी वो उखाड़ दिया, और ये वे दोनों क्या किए, फिर आगे बढ़े।
कुछ देर बाद महात्मा जी एक नीम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे ने इसे उखाड़ने के लिए कहा। तो क्या हुआ कि ये जो बच्चे जो थे, पहले तो वो छोटा पौधा उखाड़ा, फिर बाद में वो बड़ा पौधा उखाड़ा। पहले क्या हुआ कि वो छोटा पौधा उखाड़ा, तो छोटा पौधा उखाड़ने में वो तुरंत उखड़ गया। सेकंड में वो जो था उसे थोड़ा बड़ा पौधा उखाड़ा, तो जो बड़ा पौधा उखाड़ा पहला वाला जो था वो तो तुरंत उखड़ गया, लेकिन जो दूसरा वाला था वो थोड़ा बड़ा था, उसे उसको उखाड़ने में उसको थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन जब आगे वे दोनों बढ़े तो तीसरा जो था वो नीम का पेड़ था। तो महात्मा जी ने नीम का पेड़ उखाड़ने के लिए कहा। तो नीम का पेड़ जो था वो तो काफ़ी मजबूत था, जैसे हमारे स्कूल में भी है नीम का पेड़, इतना बड़ा है। तो क्या आप लोग उखाड़ पाएंगे? वो तो आप लोग भी नहीं उखाड़ पाएंगे, बहुत ही बड़ा था। बेटे ने पेड़ का तना पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगा। वो जो पेड़ का तना था वो उसने क्या किया कि जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। पेड़ इतना मोटा था, इतना मजबूत था कि वह जब बड़ा हो जाएगा तो वो तो उखड़ेगा ही नहीं। बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ। तो बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत है, महात्मा जी इसे उखाड़ना असंभव है। बेटे ने कहा कि महात्मा जी इसे उखाड़ना बहुत ही असंभव है, असंभव माने बहुत ही मुश्किल है। महात्मा जी ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है। महात्मा जी ने देखो कितने अच्छे तरीके से बेटे को समझाया कि महात्मा जी कि ऐसी ही होता है बुरी आदतों के साथ। वे जब नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि जो महात्मा जी ने बेटे से कहा, सबसे पहला वाला पौधा उखाड़ने के लिए वो काफ़ी छोटा था तो वो तुरंत उखड़ गया, चूँकि वो बहुत ही छोटा था। और सेकंड वाला जब वो बोले तो उसमें क्या है, वो उससे थोड़ा बड़ा था तो उसको थोड़ा मुश्किल हुई उखाड़ने में, उखड़ तो गई लेकिन थोड़ी मुश्किल हुई। और तीसरा वाला जो था वो काफ़ी पेड़ था, काफ़ी बड़ा पेड़ था, उस वो जो पेड़ था वो बच्चा जो है वो हिलाते रह गया लेकिन वो पेड़ हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ, मैंने कि थोड़ा सा भी नहीं वो हिला। तो इससे क्या हुआ, इससे यही पता चलता है कि कोई भी आदत हो जो नहीं होती है तो वो तुरंत हट जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो आदत जो है पुरानी होती है तो उसको छोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। बेटा जो है उनकी बात को समझ गया और उसने मन ही मन अपनी बुरी आदत छोड़ने का निश्चय किया। निश्चय माने होता है संकल्प। तो उसने क्या किया, बुरी आदत छोड़ने का निश्चय किया, संकल्प किया कि मैं अपनी ये बुरी आदत जो है अब छोड़ दूंगा। इसका जीवन मूल्य यह है कि हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। ये जो हमारी बुरी आदत है उससे हमको हमेशा दूर रहना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमको बुरी आदत लगे ही नहीं कि हम बुरी आदत को छोड़ेंगे। बुरी आदत से हमेशा ही
दूर रहना चाहिए। जैसे इस बच्चे को बुरी आदत लग गई थी तो उस बुरी आदत को छोड़ने में उसको बहुत ही मेहनत करना पड़ा, उसके माता पिता को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसलिए अब तो आप लोग को ये कहानी समझ में आई होगी और यह तो आप लोग को सीख भी कुछ मिला होगा। चलिए अगले क्लास में, बाय।